अक्षरा सिंह ने पिछले साल हर जगह हर मोड़ पर अपने आप को साबित भी किया और दर्शकों की नजर उन पर जिस तरह बनी रही, उन्होंने अपने फैंस को किसी मामले में निराश नहीं किया। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि पिछला साल अक्षरा सिंह के फिल्मों के लिए अच्छा नहीं रहा। सिर्फ माँ तुझे सलाम को छोड़ दे तो बॉक्स ऑफिस पर उनकी कोई भी फिल्म सुपर डुपर हिट साबित नहीं हुई, लेकिन अपने आप को किस तरह से प्रूफ करना है और अपने आप को किस तरह से लाइमलाइट में रखना है और फिल्में न आने के बावजूद भी भोजपुरी की नंबर वन हीरोइन कैसे बने रहना है, ये कोई अक्षरा सिंह से सीखे। जी हाँ, अक्षरा सिंह आजकल भोजपुरी की टॉप मोस्ट एक्ट्रेसेस में से है और इतनी बिजी कि अपने लिए टाइम तक नहीं निकाल पाती। खैर, ये सब बातें बाद में होती रहेंगी, लेकिन आज हम यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। पहले खेसारी लाल यादव ने बबुआ बवाली फिल्म अक्षरा सिंह के साथ साइन करके सबको चौंका दिया। फिर उसके बाद रितेश पांडे ने बैक टू बैक अक्षरा सिंह के साथ दो फिल्में साइन की और अब खबर आ रही है कि भोजपुरी के स्टार से सुपरस्टार बनने की रेस में सबसे तेज दौड़ रहे प्रदीप पांडे चिंटू ने भी अक्षरा सिंह के साथ एक फिल्म साइन की है। नाम है विवाह। अक्षरा सिंह के साथ चिंटू पहले भी फिल्मों में दिख चुके हैं, लेकिन उन फिल्मों को शायद दर्शक अब उतना याद नहीं रखे क्योंकि एक लंबा समय बीत चुका है प्रदीप पांडे चिंटू के साथ अक्षरा सिंह को काम किए। धीरे धीरे ही सही, लेकिन अक्षरा सिंह अब इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पकड़ बना रही हैं, जो कि काफी सराहनीय कदम है। अपनी दम पे अपनी पहचान बनाना स्टार्स अपने करियर के शुरुआती दिनों में करते हैं। हाँ, जब तक वो 3 से 4 साल इंडस्ट्री में बिता चुके होते हैं तो वो एस्टेब्लिश हो जाते हैं, लेकिन अक्षरा सिंह के साथ थोड़ा उल्टा हुआ। अक्षरा सिंह पहले एस्टेब्लिश भले हो गई, लेकिन कुछ विवादों के चलते ऐसा लगा कि अक्षरा सिंह अब भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं टिकेंगी। लेकिन अक्षरा सिंह टिकी भी रही, डटी भी रही और अब भोजपुरी के हर बड़े सितारे के साथ धीरे धीरे ही सही, लेकिन उनकी फिल्में आ जरूर रही हैं। साथ ही साथ हर मौके पर उनके एल्बम्स भाई जबरदस्त हिट हो रहे हैं, फिर वो चाहे नया साल का मौका हो, फिर या अब होली आने वाली है। हाँ, होली आने के मौके पर भी अक्षरा सिंह कोई जबरदस्त एल्बम जरूर लेकर आएंगी अपने फैंस के बीच, क्योंकि उनके आवाज की दीवानी तो अब भोजपुरी इंडस्ट्री हो ही चुकी है। यहाँ गौर करने वाली बात ये है कि अक्षरा सिंह की पवन सिंह से जो लड़ाई हुई थी उसका हर्जाना सिर्फ अक्षरा सिंह ने ही नहीं उनकी फैमिली ने भी भुगता। उनके पिता विपिन सिंह को भी भोजपुरी की कई फिल्मों से निकाल दिया गया, जिसकी साइनिंग अमाउंट तक वो ले चुके थे। उन्हें ये कहकर निकाल दिया गया कि वो रोल आपके लिए है ही नहीं। खैर, वक्त सभी का बदलता है और वक्त अक्षरा सिंह का भी बदला, खामोशी से ही सही लेकिन जोरदार बदला। आज अक्षरा सिंह आज कहीं ना कहीं अपने इस कामयाबी के लिए अक्षरा सिंह अपनी फैमिली के शुक्रगुजार है, क्योंकि उनकी फैमिली उनके बुरे वक्त में डट कर खड़ी रही। और वो अच्छा भी है कि फैमिली और फ्रेंड्स ही होते हैं जो हमें अपने हर मुसीबत से निकालते हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए।